चुनाव के नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज के किसी मुख्य खबर की ओर। छपरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी और हुई तेज। महागठबंधन के युवा प्रत्याशी रणधीर कुमार सिंह जनता के बीच घर घर जाकर वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने का प्रयास जारी है। अपने समर्थकों के साथ राजद प्रत्याशी विभिन्न वार्डों में जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं बता दें कि भाजपा प्रत्याशी को लेकर लोगों में काफी नाराजगी दिख रही है, क्योंकि 5 सालों में छपरा विकास के मामलों में कोसों दूर रहा और शहर नरक में तब्दील हो गया। अब तक शहर के प्रमुख समस्याओं को लेकर कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं किया गया, जिससे जनता इस बार के चुनाव में बदलाव के मूड में पूरी तरह दिख रही है। बरसात में जल जमाव और बाकी दिनों में वाहनों का जाम से और बाकी दिनों में वाहनों के जाम से यहाँ के लोग त्रस्त है। राजद का आरोप है कि माफिया तत्वों से मिलकर शहर को जाम के चंगुल में फंसाने वाले नेता कभी जनता का भला नहीं कर सकते। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। कोई जीते हारे वो बात की बात है। सबसे पहला जो मुख्य मुद्दा है, हम अपने नेता को इसलिए भेजते हैं विधानसभा में कि हमारे लिए वो हमारी आवाज बनकर उभरे और आम जनता को उनसे बेनिफिट हो। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो पूर्व विधायक है श्रीमान डॉक्टर सीएन गुप्ता जी, वो आज तक तो विजिट ही नहीं किए हैं। और हमारी जो आम समस्याएं हैं, जैसे नाले का पानी है, या मैं खुद शिक्षक हूँ, शिक्षा को लेकर जो कोरोना में हम लोग के साथ जो डिस्टर्बेंस हुआ है, सरकार बात माने या न माने बात उठनी चाहिए थी। कि हमारे इस बार रणधीर सिंह खड़े हैं उनको लेकर, युवा नेता, उनके प्रति क्या भावना है? सर, हमेशा से हम लोग मार्गदर्शन इसलिए रहे हैं क्योंकि वो युवा है और हमें अपना विकास उनके थ्रू चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि रणधीर बाबू जब हमारे विधानसभा जाएं तो हमारी आवाज बने वहाँ। सीएम गुप्ता का आपकी पता साफ हो जाएगा? देखिए, वो जैसा काम किए हैं मुझे तो पूर्ण विश्वास है। जनता नाराज है? बिल्कुल, जनता बिल्कुल नाराज है। साल में कितनी बार आए हैं? एक दिन भी निकले नहीं है आवाज से अपना बाहर, जबकि शहर में ही है मोहल्ला। हाँ, शहर में भी मकान है उनका, एक दिन भी कहीं वार्ड में घूमे नहीं है, किसी से मिले नहीं है। क्या लगता है कि इस बार आप? हम लोग तो राजद के साथ, यहाँ कोई काम नहीं हुआ उनके द्वारा? ना, एकदम काम नहीं हुआ। छपरा पूरा जिला में कहीं उनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार सिंह। रणधीर सिंह के आगे कोई आज के डेट में नहीं है। सबसे मस्त मतलब कि जो है विधायक के मतलब रूप में जनता देख रही है उनको, और यहाँ नीतीश कुमार का बीजेपी का कोई प्रकार का वोट नहीं है, क्योंकि ये आज तक जितने भी मतलब कि यहाँ जनता तराईमान है ना, शिक्षित बेकारा बेचारे रोड पर घूम रहे हैं, उनके रोजगार नहीं है, जो बाहर से प्लान होकर बेचारे आ गए घर पे, उनको खाने के लाला पड़ा हुआ है और ना किसी को नौकरी मिल रही है ना कुछ। आज तो तेजस्वी जी 10 क्या लगता है? क्या लगता है इस बार रणधीर सिंह की जीत को लेकर? इस बार छपरा की जनता मूड बना चुकी है पहले से कि रणधीर सिंह ही विधायक होंगे, क्योंकि जो उन्होंने 10 महीना में जो कार्य किया था वो 5 साल में अभी तक वो कार्य नहीं हो पाया। 10 महीना में छपरा में जितना विकास हुआ, जितना कार्य हुआ, उतना 5 साल में नहीं हुआ। 5 साल में बस हम लोग यही देखे कि हमारी माताएं बहने हर चौक गली चौराहे पे पानी हिल के जा रही हैं और आ रही हैं। शिक्षा में जाइए, सारा शिक्षा फेल है। आप कहीं से जाइए, हॉस्पिटल फेल है। सरकार में किसी को कोई भी सुविधा अभी तक नहीं है, इसलिए पूरे जनता ने ये विश्वास से ठान लिया है कि हमको रणधीर सिंह को विधायक बनाना है और छपरा को एक विकसित शहर के आगे बढ़ाना है। बात सामने आ रहा है, क्या 5 सालों में यहाँ काम हुआ है? क्षेत्र भ्रमण के दौरान आप खुद भी देख रहे हैं, इस तपती धूप में बहुत सारे हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, जिंदा हमारे साथ घूम रहे हैं। और क्षेत्र भ्रमण के दौरान बस एक ही बात सामने आ रहा है कि पिछले 5 साल में जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं कहीं कोई काम नहीं किए हैं। काम तो दूर की बात रही, 5 साल में कभी किसी मोहल्ले में अपना चेहरा तक नहीं दिखता है। हर व्यक्ति का विरोध है, इस बात पूरे छपरा विधानसभा में लोग परिवर्तन चाहता है, लोगों का पूरा स्नेह प्यार आशीर्वाद मेरे साथ मजबूती से है। क्या लगा जीत के लिए, कितनी चुनौती है? लड़ाई अगर लगना है तो लड़ाई तो
कोई आज निर्दलीय भी होगा तो कहेगा कि हम जीत रहे हैं, इसलिए कुछ मुझे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। मुझे इतना विश्वास है कि छपरा का आवाम मेरे साथ है, मजबूती से अपने बुजुर्ग लोग आशीर्वाद दिए हुए हैं, मेरे साथ लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, नौजवान भाई कदम से कदम मिला के मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस बार हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ज्यादा से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे।